हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएससी बॉटनी फर्स्ट एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट 5। हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, क्या हॉट स्पॉट। ठीक है, बाहर मतलब मीन्स भारत के तप्त स्थल। ठीक है, तो ये चीज़ हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को पहले से पता है, मेरे पास टाइम के समय प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चीज़ जो है, तो ये चीज़ ऐसे हैं जो आप लोगों को मिल नहीं पाए होंगे, कहीं नहीं मिले होंगे, ये वो चीज़ हैं तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको 7 नंबर पर आना कन्फर्म है, आपको 20 नंबर पर नहीं आएगा, ये ज़रूर है। यदि ये 20 नंबर पर आता है तो आपको केवल क्या पूछा जाएगा, 20 नंबर पर यदि आएगा तो 2 ऐड कर दिया जाएगा, जैसे इंडनीज में प्लस हॉट स्पॉट या हॉट स्पॉट प्लस हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, ये भी चीज़ यदि ऐड कर रहा है तो 7 नंबर में भी ऐड कर सकता है, 20 नंबर में से इसका आने कोई चांस नहीं है। तो इसलिए 7 नंबर की जैसे आप पढ़ लें, इसको ज़्यादा डिटेल्स मतलब उतना एक ऐसे टाइप में पढ़ने से नहीं है, मतलब है ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपन लोगों को केवल इसमें इसको 7 नंबर लाइक ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें पहला आता है, पहले 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पहले ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से अपना है हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये चीज़ें तो आप लोगों को इसको पढ़ लेना है, मतलब इसके पहले थोड़ा सा क्या है, इसकी एक डिफिनेशन टाइप में है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में डिफिनेशन टाइप के 3 टाइप हैं, उनको 3 टाइप भी आप मतलब रीड कर लीजिएगा, मतलब ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है, और बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है कि जैसा आप लोग माइंड में ले लें कि जैसा है कि बहुत कठिन, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल भी है, तो आप जो है तो प्यार से बढ़िया पढ़ाई करिए। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए नीचे से, यहाँ से कहाँ से पढ़ना है आपको, बाय हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से पढ़ाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तक आप पढ़ाते जाना है आगे, ये चीज़ है। फिर आता है विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है, यहाँ मतलब ऐसे पढ़ लेना है। फिर ये हॉट स्पॉट देख रखा है ऑफ ग्लोबल प्लांट्स और पूरे चार्ट वगैरह बना है, प्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये चीज़ है, और इनके प्रतिशत देख रखा है क्या कैसे है, और नीचे देख रखा है एग्जाम्पल। ठीक है ना, फिर नीचे लिखा है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो ये अपने भारत के जैव विविधता के तप्त स्थल बताना है, तो इनको भी बता देना, पूर्वी 2 ही हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, तो ये चीज़ है आपको 7 नंबर पे जो है तो आ जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर पहुंच सकता है, और तो इसीलिए आप इनको 7 नंबर पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वो कल आप लोगों को इंडनिज्म के बारे में बता देंगे, इंटरनीज में जो आपको कहीं नहीं मिलेगा शायद, ये इंटरनीज में स्टूडेंट ये जो है वो डाटा बुक ही है, जैसे अपन लोगों ने 11-12 में पढ़ा हुआ है डाटा बुक, वही 11th की बुक में अपन लोगों ने पढ़ा होगा, पेज नंबर यदि आप शिवलाल की बुक रखेंगे तो उसमें पेज नंबर 39 के लगभग 40 के लगभग ये मतलब बायोडाइवर्सिटी देकर रखा है, उसी के अंदर आपको मिलेगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के अंदर रेड डाटा बुक को ही हम इंटरनीज में मतलब बोल सकते हैं, तो वही चीज़ है, तो उसे भी पढ़ेंगे, तो कल हमारा हमारे लिए वही टॉपिक है, तो हम वो बताएंगे, जिससे भी होता तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर करें, जरूर कमेंट करना, थैंक यू, टेक केयर।